से बचाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इनमें ना मरने का गम है ना मौत का खौफ। 5, 4, 3, 2। क्या कहा अपने फैंस से खिलाड़ी फिल्म की हीरोइन ने? Hi everybody, this is Prachi, your host for today with another interesting video. जब भी हम बात करते हैं साउथ की फिल्मों की तो कुछ नाम और चेहरे हमारे सामने अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं में से एक नाम है रवि तेजा। इन्हें आपने पुलिस के किरदार में वही फ्लर्टी टीचर के किरदार में देखा होगा। 53 साल के ये एक्टर अब भी काफी एक्टिव है और इनके पास कई प्रोजेक्ट भी है। COVID-19 के खतरे के बावजूद ये काम कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी एक और फिल्म लॉन्च भी की है। रावणा सुर को भोगी दिवस पर बहुत ही धूमधाम से लॉन्च किया गया था। सुधीर वर्मा द्वारा निर्देशित और अभिषेक नामा द्वारा निर्मित है ये। निर्माताओं ने कहा है रावणा सुर इस साल 30 सितंबर को स्क्रीन पर आएगी। रामा राव ऑन ड्यूटी और खिलाड़ी भी रवि तेजा की इसी साल रिलीज होने वाली है। वो अपनी अपकमिंग फिल्म खिलाड़ी के साथ सिनेमा घरों पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही वो अपनी फिल्म के साथ फिर से ऑडियंस को सरप्राइज करने वाले हैं, क्योंकि उनकी ये फिल्म भी ऑडियंस को बेहद ही पसंद आने वाली है। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है वैसे वैसे मेकर्स कुछ इंटरेस्टिंग खबर दे रहे हैं फिल्म के बारे में और लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी इस फिल्म के एक गाने को रिलीज किया था जिसने हमें अपने पैरों को हिलाने के लिए मजबूर कर दिया। रवि तेजा ने इस पेप्पी गाने के लिरिकल वीडियो को अपने ट्विटर पर शेयर किया और अपने फैंस को इसे देखने को कहा। इस गाने में रवि तेजा और मीनाक्षी चौधरी है और लोगों को ये गाना काफी पसंद आ रहा है। ग्लैम डॉल मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हमें नजर आने वाली है बतौर अभिनेत्री। बताते चले रवि तेजा अपने करियर के सबसे अच्छे मोड़ पर है और उनके पास अभी काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। वो अगली बार वामसी की टाइगर नागेश्वर राव फिल्म में हमें दिखाई देने वाले हैं। कुछ फिल्में उनकी इसी साल बनने जा रही है और कुछ फिल्मों के लिए आगे की तैयारी की जा रही है। तो कौन सी वो फिल्म होगी जो सबसे पहले रिलीज होने वाली है? एनी गेसेस? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मैं प्राची आपसे लेती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर।